जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों की सेवा करने वाला राणा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। की बात नहीं, हम तेरे साथ खड़े हैं। बच्चों की रोटी नहीं जाने देंगे बेटे हम, या सरकार कुछ भी कर ले, हम तेरे साथ खड़े। ऊपर तक फैसला आने की देर है यार, हजारों की तादाद में किसान खड़े पाओगे बेटा। रोवा ना बेटा, तगड़ा हो जा। हाँ, चिंता न करो बेटे, हम तेरे साथ हैं। तो आज की खबर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि किस तरह से राम सिंह राणा के कुरुक्षेत्र के उमरी में स्थित गोल्डन ढाबा पर मौजूद है। राम सिंह राणा जो लगातार किसान आंदोलन में 7 महीने से अपनी सेवा कर रहे हैं, और जैसे कि कुछ ही देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से राम सिंह राणा के ढाबे के सामने बड़े बड़े पत्थर लगा दिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो तमाम किसान है टोल टैक्स से उठकर, जो है किसानों के धरने से उठकर यहाँ पर तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और राम सिंह राणा को पूरा आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम किसान हरियाणा के उनके साथ हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ अगर बात की जाए, प्रशासन और सरकार ये कहेगी कि किस तरह से जो इन पत्थर को लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है ताकि हाईवे पर एक्सीडेंट्स ना हो, अवैध कटों को बंद किया जा रहा है। लेकिन राम सिंह राणा ने पहले वाली खबर में साफ कर दिया था कि किसी और ढाबे के सामने इतने बड़े बड़े पत्थर नहीं लगाए गए, सिर्फ उन्हीं के ढाबे के सामने इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों लगाए गए हैं, रंजिशन ऐसा किया गया है। तो तमाम किसान यहां पर पहुंचे हैं कि करके सभी से बातचीत करेंगे। राम सिंह राणा फिर दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे। जगदीप सिंह ओलक है किसान नेता, उनसे जानना चाहेंगे जगदीप सिंह क्या कहना चाहेंगे। कुछ देर पहले हमने खबर दिखाई थी कि राम सिंह राणा के ढाबे के सामने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए, क्या कुछ पूरा मामला और क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात बड़े उससे गर्व से कहते हैं, राम सिंह राणा जी हमारे जिले करनाल के गाँव शामली नीसंग तहसील के हैं। ये हमारे पूरे करनाल जिले की शान है, और जैसे ही हमें पता लगा भाई राणा जी के साथ सरकार तानाशाही और गुंडागर्दी कर रही है, हम सभी उसी टाइम पहुंचे हैं और एक आश्वासन राणा जी को दे दिया। हम करनाल से चले थे इन पत्थरों को उखाड़ने के लिए, बहुत सुमाणा हमारा आखिरी गांव है, वहां पर 4 ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं। पर राणा जी से आगे हमने बात की, संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेताओं की मीटिंग चल रही है इसी मुद्दे पर, वो बोले ऊपर से देश आने दो। तो जो करनाल जिले की राम सिंह राणा शान है, मैं आपको यहाँ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये पत्थर मारे आगे कुछ मायना नहीं रखते, इनको उखाड़ के फेंक देंगे। पर ऊपर के देश की हमें भी सिर्फ ये है, वो रुके हुए हैं सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के देश की वजह से, और बिल्कुल भी धक्काशाही और गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। कुरुक्षेत्र जिले में किसी और ढाबे के आगे पत्थर नहीं लगाए, सिर्फ केले ढाबे के आगे पत्थर लगाए गए हैं जो राम सिंह राणा जी का गोल्डन ढाबा है। और आज इतनी हम यहाँ पर पहुंचे हैं, करनाल से सभी किसान फोन कर रहे हैं, जैसे आदेश आएंगे राणा जी को एक बात क्लियर कर दी, भाई सबसे आगे हम रहेंगे, आप पीछे रहो, आपने हमारा किसानों का साथ दिया है, इतनी सच्ची सेवा की है। तो आज पूरे देश का किसान इनको फोन कर रहा है, हमारे पास भी फोन आ रहे हैं, अभी आदेश बताओ कब पहुँचना है। तो हम यही कह रहे हैं, ये पत्थर पुत्थर सरकार की नीच हरकत है और ऐसा कुछ चलने नहीं देंगे, और ये पत्थर ऊपर के देश आते ही ये तो उखाड़ के फेंक देंगे। आपका आरोप है कि रंजिशन सरकार ने या प्रशासन ने ऐसा किया है, लेकिन प्रशासन और सरकार की अगर बात की जाए तो वो तो ये कहेंगे कि अवैध कट है, इनको इसलिए बंद किया गया है ताकि हाईवे पर दुर्घटनाएं ना हो, हाईवे पर एक्सीडेंट ना हो। देखो फिर ये कुरुक्षेत्र जिले में ज्यादा नहीं कोई 100 ढाबे पड़ते होंगे, 100 ढाबे में से ये नहीं है अभी राम सिंह राणा के ढाबे की वजह से एक्सीडेंट होंगे, बाकी 99 ढाबे भी तो हैं, यदि उनके आगे बैरिकेड ये नहीं लगाए गए तो इसके आगे क्यों लगाए गए? तो ये तो सरेआम दिखता है, जब पूरे जिले में एक चिन्हित करके आप एक ढाबे पर ही ये पत्थर लगा रहे हो, तो इसका मतलब तो सीधा है आप उनको टारगेट कर रहे हो। तो बाकी आगे एक बीजेपी के नेता का ढाबा है सितारा ढाबा, कोई गनौर से इनका नेता है, सबसे पहले उसके आगे लगा दो पत्थर। तो ये तो जो इन्होंने किसानों का साथ दिया है, पर राणा जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरे देश का किसान इनके साथ खड़ा है, करनाल जिले की शान है, जब जरूरत पड़ेगी हमने इनको कह दिया आप एक फोन करोगे। किसानों के लिए क्या क्या किया अभी तक राम सिंह राणा जी ने? राम सिंह राणा जी जिस दिन से इस आंदोलन में है, शुरू से ही इन्होंने अपना वो ढाबा बंद किया जो सिंघू बॉर्डर के पास है, उसकी 2 लाख डेली की सेल थी, एक बात इतना बड़ा जिसका बिजनेस हो उसने उसको बंद कर दिया उस कमाई को, और उसके बाद इन्होंने वहाँ लंगर चालू किया, अब फ्री आटे की सेवा चल रही है, फ्री दूध की सेवा चल रही है, फ्री जल की सेवा चल रही है, 11,500 पानी के कैंपर डेली सप्लाई किए जाते हैं, लाखों रुपए का बजट है, गेहूं के गोदाम बना दिए, बड़ी बड़ी चक्कियां लगा दी, इनका तो देना किसान 7 जन्म नहीं दे सकते जो इन्होंने सेवा की है। तो जो इन्होंने किसान पुत्र होने का फर्ज अदा किया है, तो पूरे देश का किसान आज उनके साथ खड़ा है। अपने किसानों से भी अपील करेंगे, ये कुरुक्षेत्र में उमरी पुल के पास उनका ये ढाबा पड़ता है, तो भाइयों कोई भी हाईवे पे चलो पंजाब वाला हरियाणा वाला, तो यहाँ पर ब्रेक जरूर लिया करो, क्योंकि इस ढाबे की कमाई से कुरुक्षेत्र वाले की इनका घर चल रहा है जिससे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरे ढाबे की कमाई तो इन्होंने बंद करके सारी सिंघू बॉर्डर पर लगा दी, और जो अपनी जेब में था
वो भी लगा दिया, जमीन तक बेच दी, इससे बड़ा और क्या आसान होगा। ये तो असली, मतलब मैं कहूंगा असली हीरो है इस आंदोलन के। और भी किसान हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि राम सिंह राणा, जिनका सिंगू बॉर्डर पर ढाबा है, कुरुक्षेत्र में ढाबा है, इनके ढाबे के सामने जैसे कि आपका कहना है कि बड़े बड़े पत्थर प्रशासन ने रंजिशन लगा दिए गए हैं, तो आगामी रणनीति क्या कुछ किसानों की तरफ से रहेगी, क्यों लगाए गए और क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो हम सरकार को ये क्लियर कर दें, जो ये ढाबा है अकेले राम सिंह राणा का नहीं है, ये जितने किसान आंदोलन लड़ रहे हैं उन सभी का ये ढाबा है। और जो किसान है वो अपना रास्ता अच्छी तरह से बनाना जानता है, इन्होंने देखा भी था, अम्बाड़े से लेकर दिल्ली तक किसान ने रास्ता बना लिया था। और जो ये पत्थर हैं हमारे लिए, ये उखाड़ कर फेंकने कोई बड़ी बात नहीं है, अभी फेंक देंगे इनको 10 मिनट में, पर जैसे संयुक्त मोर्चे की अभी मीटिंग चल रही है उससे जैसे भी आदेश आएगा यहाँ रास्ता भी बनेगा। और सरकार को एक बात क्लियर कर दें, यहाँ तो अपने आप जैसे ये पत्थर लगाएं उठा के ले जाएं, नहीं तो रास्ता तब भी बनेगा और तुम्हारी बेहुदा हरकतें हम चलने नहीं देंगे। ये तानाशाही है यहाँ इसकी सरकार की, एक ढाबे को सारे क्षेत्र में टारगेट करके पत्थर लगा दिए, और भी तो ढाबे हैं, वहां क्यों नहीं पत्थर लगाए? तो बिल्कुल, पत्थर लगाए जाने के बाद तमाम किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो कुछ और किसान है उनसे जाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पर आप पहुंचे हैं और क्यों पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पता चला था कि राम सिंह राणा का एक यहाँ पे ढाबा है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसके अंदर इन्होंने बैरिकेडिंग लगा दिए, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए, रंजनी सिंह लगाए, इससे आगा एक ढाबा है बीजेपी का, इनका MLA मंत्री है कोई पता नहीं कहाँ का, तो उस पर तो इन्हें लाए नहीं, और मारे किसान के ढाबे के आगे ना बैरिकेडिंग कर दी, पर ये मोड़ नहीं देते, ना मारे राणा जी के अंजू करवाए ना भाजपा सरकार ना। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, जहाँ राणा जी के अंजू ना करवाए वहाँ करनाल जिले का किसान अपना खून गेर का और राणा जी के साथ खड़े। राणा जी आज करनाल जिले की टीम आई थी ना बैरिकेडिंग ना उखाड़ने वास्ता, हम पूरी तैयारी में थे, पर यह बात यूं मुद्दा पूरा संयुक्त किसान मोर्चे के हाथों में जा रहा है, वहाँ मीटिंग चल रही है, वहाँ से जैसे भी आदेश आवेंगे करनाल जिला सबसे आगे पाएगा राम सिंह राणा जी की हेल्प करने के लिए। के राम सिंह राणा के ढाबे के सामने बड़े बड़े पत्थर लगाए जाने का मामला संयुक्त किसान मोर्चा तक पहुंच चुका है, दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर इस मामले को लेकर एक अहम बैठक भी चल रही है। राणा जी समय हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सर? आपके ढाबे के आगे पत्थर क्या लगे, खबर क्या चली, तमाम किसान यहाँ पर पहुंच गए आपके समर्थन में, क्या कहेंगे? ऐसे भाई जी, ये तो हमारी एकता की एक मिसाल है और एकता ही हमारी ताकत है, तो मैं सरकार से एक दरख्वास्त करूँगा, छोटी सी है सिर्फ। देखो, अगर मानवता की सेवा करना जुर्म है ना, तो हम तो आखिरी सांस तक, जब तक हमारी ज़िंदगी है तो जुर्म करना है हमने, तो एक ही बार फांसी तोड़ दे जिसको, जिसने जो करना है अपना, वो खेल ही निमटेगा, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसरी, ये आँख में चोली खेलना बंद करे, ये छोटे मोटे ये काम, ये तुच्छ मतलब नीच हरकतें करना छोड़ दे, मेरा नुकसान करना है मेरा करें, यहाँ से कम 100 परिवार पलते हैं, शायद उनके घर में चूल्हा भी न चढ़ा हो। आप ही के ढाबे के बारे क्यों लगाया गया ये? सर जी, ये आपके सामने है, 7 महीने से आप देख रहे हो जो हम किसानों के साथ लग रहे हैं, हमारे पास मैसेज आया कि भाई आप या तो पीछे हटो नहीं आपका नुकसान हो जाएगा। तो किसान यहाँ पर पहुंच गए हैं, किसानों का कहना है कि इस बैरिकेड्स को वे तुरंत हटा देंगे, लेकिन जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा का कोई फैसला आएगा तो? ऐसा जी, पिछले 7 महीने से हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है, ना ही कोई ऐसा काम किया है जिससे मतलब दंगे भड़के या कोई मतलब और घटना घटी, बड़ी घटना घटे, तो हमें बड़े प्यार से काम करना है, जैसे गवर्नमेंट ने अपनी कार्रवाई की है, अगर हम किसान हैं तो ये पत्थर गवर्नमेंट खुद उठाएगी, अब उसके बाद जो भी होगा फैसला हो उसे किसान मोर्चे का होगा। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, जोश में आने की जरूरत नहीं है, ये तो कोई नहीं है, तो पत्थर ही तो हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, राम सिंह राणा के समर्थन में तमाम किसान यहाँ पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से सिंगू बॉर्डर और कुरुक्षेत्र के उमरी में राम सिंह राणा का गोल्डन ढाबा, जिस ढाबे के सामने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए, तमाम किसानों ने यह बात कही कि सिर्फ इन्हीं के ढाबे पर पत्थर लगाए गए हैं, किसी और ढाबे के सामने पत्थर नहीं लगाए गए, और रंजिशन जो है ऐसा किया गया है। अब देखना ही होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा का क्या फैसला आता है। हालांकि किसानों ने कहा कि वे पत्थर हटाने आए थे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग इस मामले को लेकर दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर चल रही है, और उनका क्या फैसला आएगा उसी के बाद कुछ अपना निर्णय ले पाएंगे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, कुरुक्षेत्र। की बात नहीं, हम तेरे साथ खड़े हैं, बच्चों की रोटी नहीं जाने देंगे बेटे हम, या सरकार कुछ भी कर ले, हम तेरे साथ खड़े। ऊपर तक फैसला आने की देर है, यार हजारों की तादाद में किसान खड़े पाओगे बेटा, रोवा ना बेटा, तगड़ा हो जा, हाँ चिंता ना करो बेटा, हम तेरे साथ हैं।
क्या कहना चाहोगे ताऊ जी, क्यों ऐसा? बेटे यह सरकार, इन्होंने मदद करी है किसानों की, बेचारे ने किसान का बच्चा है और इन्होंने बड़ी सहायता करी है बेटे, और इस सरकार पर यूं देखा नहीं गया बेटे। ईब हमने आकर मौके पर देखे इसका, इसका तो हाल उन्होंने बुरा कर दिया। ईब हमने ऊपर दिल्ली से भी बात हुई हमारे नेताओं के साथ, उनकी एक बार बात देखने की जरूरत है एवं जो है फैसला करेंगे गले हम उसी उनका आदेश मैन कर और इन पत्थरों को बाहर फेंक देंगे। हम तो आए थे इसके पत्थर ठुआन खतर, ऊपर से हमारी बात होगी है, हमने अपनी टीम रोक दी और इसलिए रोक दी एक दो घंटे में ऊपर का फैसला आ जाएगा या सरकार उठा लेगी। बेटे बहुत मर्द हो रहा सौदन, बड़ी बड़ी क्राइन में मर्द हो रहा, ये तो पत्थर है बेटे, किसानों पर बहुत ताकत है, दिल्ली ना ला देगी एक मिनट में बेटे, और पूछ बेटे के पूछेगा। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पर लगा दिया गया, जिसके बाद खबर चलने के बाद तुरंत यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि तमाम किसानों का कहना है कि सिर्फ राम सिंह राणा के ढाबे के बाहर ही इस तरह के बड़े बड़े पत्थरों को सिर्फ रंजिशन लगाया गया। अगर बात की जाए सरकार की, प्रशासन की, तो प्रशासन और सरकार का कहना यह है कि हादसे होते हैं हाईवे पर, जिस कारण अवैध खड्डों को बंद किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम किसान है वो यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों यहाँ पर आप खड़े हैं और क्या कहना चाहेंगे जी? हम इसलिए, जैसे ही हमारे को मैसेज मिला, जो हमारे राम सिंह राणा जी हैं वो हमारे आंदोलन की शान है, पहले दिन से दूध की, जल की, आटे की और लंगर की सेवा वहाँ चल रही है उनकी, और जो उनका खर्चा था इस ढाबे से चलता है जो कुरुक्षेत्र वाला है, और सरकार ने अपना तानाशाही रवैया अपना कर यहाँ रास्ता बंद कर दिया है कि यहाँ कोई आ ना सके। सुबह से कोई भी गाहक भी नहीं आ पा रहा, जो डेली आने वाले आदमी हैं उनको परेशानी भी हो रही है। और सरकार को हम कहना चाहते हैं जैसे ये पत्थर लगाएं इसको वैसे उठाकर वापस ले जाएं तो बढ़िया रहोगे, नहीं तो आप किसान की ताकत देख लेना, हम आपकी सरकार की देख लेंगे। और दूसरी अपील हम ये करते हैं, जितने भी हमारे टैक्सी चालक हैं, टूरिस्ट बस चालक हैं, उनसे हम अपील करते हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं, वो उनको चाहे घूम के आना पड़े, ये यहाँ गोल्डन हट ढाबे पर आकर जरूर रुकें, और आगे भी और भी जितने टैक्सी ड्राइवर उनको भी बोले वहाँ रुकें और यहाँ से खाना खाएं, जो भी लेना यहाँ से लें। किसान आंदोलन, किसान राम सिंह राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुलम की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए, आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शन खुलेंगे, सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है, उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है, वीडियोस का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है, और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचे।